नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। आज आपको पौराणिक तथ्यों के जरिए बताएंगे श्रीराम जन्मभूमि की कहानी, जिसकी हर परत एक युग से लेकर दूसरे युग तक जुड़ी हुई है। अयोध्या को मूल रूप से मंदिरों का शहर कहा जाता था। अयोध्या को बसाने का कार्य भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने किया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। पुराणों में सबसे विस्तृत रूप में श्री राम जन्मभूमि का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इस पुराण में नदियों के उद्गम से लेकर हर रामायण महाभारत काल तक की घटनाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का उल्लेख वैष्णव खंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना इंद्रलोक के स्वर्ग से की थी। उसके भव्य स्वरूप की विस्तृत जानकारी में धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने की जानकारी भी वाल्मीकि रामायण में मिलती है। भगवान राम ने जब जल समाधि ली तो कहते हैं उनके साथ वहां के सभी पशु पक्षी उनके दिव्य धाम चले गए। उसके बाद कुछ समय के लिए अयोध्या कुछ उजड़ सी गई। भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को राजधानी बनाकर उसका पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा। पुराणों के अनुसार आखिरी राजा बृहद्बल हुए। कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत काल में हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख ईसा के लगभग 1000 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समय में मिलता है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने इस जगह की खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या के रघुवंश का कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने अपने लेखों में यहाँ कई बौद्ध और जैन मठों के विवरण के साथ मंदिर का जिक्र भी किया है, जबकि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के नरेश जयचंद आए तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़ कर वहाँ पर अपना नाम लिखवाया, लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का कर्म जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक भी वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। 14वीं शताब्दी तक यहां श्री राम का भव्य मंदिर स्थापित रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान तक यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंत में 1527 और 1528 के बीच में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह
बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। श्री राम जन्मभूमि के पौराणिक इतिहास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।